तीर भी है, कमल भी है और झोपड़ी भी जगत है। आरजेडी के लोगों को तो बोलने का मुश्किल नहीं है, तो रैली तो कैंसिल कर चुके हैं। कुर्सी का महागठबंधन है, ताश के 52 पत्ते के बिखरते नजर आएंगे। कल बिहार में एनडीए की रैली है, इस रैली को लेकर जमकर तैयारियां की गई हैं। पूरे पटना में बैनर और पोस्टरों की होड़ लगी हुई है। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और फिर से एक बार पटना को बहुत सारे तोहफे मिलने वाले हैं। मगर इस रैली से पहले पटना में पोस्टर और बैनरों के माध्यम से जेडीयू ने बीजेपी की इस रैली को हाईजैक कर लिया है, कम से कम मीडिया की सुर्खियां तो यही कह रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं और भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि जेडीयू ने सर आपकी रैली कैसे हाईजैक कर ली है, क्या लगता है आपको कैसा हुआ है? कोई सी बात नहीं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, सभी पार्टियों ने, मैं समझता हूँ कि अच्छी संख्या में लोगों ने लगाया है बैनर जाकर पोस्टर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने जाकर। तो मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ सभी दलों का और एकदम समझिए कि बहुत लोगों ने, मैंने कहिए कि काफ़ी सक्रिय होकर के और बैनर पोस्टर लगाने का काम किया है, उसका हम वेलकम करते हैं। सर बैनर पोस्टर तो बहुत है, मगर इसमें जदयू के पोस्टर तीर ज़्यादा दिख रहा है, कमल कम दिख रहा है। तीर भी हैं, कमल भी हैं और झोपड़ी भी जाकर के, हम तीनों साथ मिलकर चल रहे हैं जाकर के, और तीनों साथ मिलकर चल रहे हैं और एनडीए की पहली रैली है जाकर के, और इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली होने वाली जाकर के है, और हम सब मिलकर चल रहे हैं, और मिलकर चल रहे हैं तो आगे भी चलेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारी रैली बहुत अच्छी थी, एनडीए की रैली फ्लॉप होने वाली है, क्या करना चाहिए? तो आप लोग देखें तो पता ही लगेगा जाकर के। मैं समझ रहा हूँ कि पिछला सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे जाकर के, पिछले जितनी भी रैलियाँ हुई हैं इस बिहार में जाकर के, सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा, एक नया इतिहास बनेगा जाकर के। और मैं समझता हूँ तक कि इस रैली को गिनीज बुक में भी शामिल किया जा सके। सर विपक्ष लगातार आप लोगों से ये बात कह रहा है कि हम अपनी सारी रैलियां और कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं, देश में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आप रैली कर रहे हैं, वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल अगुवाई में देश की सीमा का सवाल हो, सुरक्षा का सवाल हो, और जो हाल में घटना घटे हैं सबका माकूल सरकार हमारे जवाब देने का काम कर रही है। हमें सेनाओं पर गर्व है जाकर के, हमारे सेनाओं ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है जाकर के, और एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन जी का जो मतलब कि बहादुरी का परिचय, पूरा देश में खुशी की लहर जाकर के। तो हमारी सरकार लगातार जो पुलवामा की घटना घटी है, घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भूमिका है जाकर के, आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करने की दिशा में जो उनका संकल्प है जाकर के, वो दिख रहा है जाकर के है, और उसका परिणाम है कि जिस तरह आतंकवादी पाकिस्तान के सारे पर पूरे देश में अस्थिरता पैदा करने का जो प्रयास कर रहे थे, उनका मुंहतोड़ जवाब दे करके और बड़ी कार्रवाई की गई जाकर के, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है, भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है जाकर के, और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस दिशा में नज़र बनाए हुए हैं, लगातार उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं जाकर के हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब उससे कोई जो तेजस्वी यादव ने अपने रैलियों को, जो भी उनके कार्यक्रम थे, कैंसिल कर दिया है, ऐसे में उन्होंने आह्वान भी किया है कि एनडीए भी अपनी रैली कम से कम कैंसिल करें। तेजस्वी यादव को हम याद कराना चाहेंगे, जब बिहार में करोड़ों लोग बाढ़ की विभिषका त्रास से जूझ रहे थे जाकर के, तो उस समय उनको रैली स्थगित करना याद नहीं आया, और उस समय गांधी मैदान में नाच गाने के साथ और रैली कर रहे थे, गरीब रैली कर रहे थे। तो आरजेडी के लोगों को तो बोलने का मुश्किल ही नहीं है कि जब बिहार संकट के दौर से गुजर रहा था, 2017 में बाढ़ की त्रासदी थी जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए थे, सैकड़ों लोग की जान चली गई थी, तो उस समय रैली को स्थगित नहीं किया। अब हम सबों को उपदेश दे रहे हैं जाकर के, इसलिए पहले अपने गिरेवान में झांक कर देखें जाकर के कि आपने क्या किया है जाकर के। और हमारी पार्टी ने भी देखा, बिहार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में हमारा था और देश भर के लोग उस कार्यक्रम में आ रहे थे जाकर के, ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय यहाँ पर अधिवेशन था जाकर के, उसमें करीब 15,000 लोग आने वाले थे जाकर के,
और हम लोग ने बापू सभागार बुक किया था, हजारों होटल बुक किए गए थे और देश के हर राज्यों से लोग आ चुके थे जा करके। उड़ाने के बाद हम लोग ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जा करके। हम लोग को लगा कि देश के सामने एक बड़ी घटना घटी है जा करके, हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, और उसमें हम लोगों ने फैसला लिया जा करके और सारे कार्यक्रमों को रद्द किया जा करके। सारी व्यवस्था जो थी गवाह है, और मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 15 दिन पहले की बात जा करके है, और हम लोगों ने उस कार्यक्रम में स्थगित कर दिया जा करके, लगा कि देश सबसे बड़ा जा करके। सर, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि नोटबंदी और GST के बाद देश की जनता को प्रॉब्लम हुआ था, कई लोगों की शादियां रुक गई थी, ऐसे में आह्वान भी किया था सरकार ने कि अगर तकलीफ हो रही तो सह लिए देश हित में, तो देश हित में सर एक रैली कैंसिल नहीं कर सकती भाजपा? तो रैली तो कैंसिल कर चुके, मतलब अभी देखा आपने हम लोग जो बड़ा अधिवेशन था। नहीं, ये जो आपकी संकल्प रैली उसकी बात नहीं, भैया उसका तो ना उसका छोटा रूप था जी, और उसमें 10-15 हज़ार लोग भाग ले रहे थे, और मात्र 10 दिन की बात जिस समय पुलवामा की घटना घटी थी, और घटना के दूसरे ही दिन जा करके हम लोग की रैली यहाँ पर अधिवेशन था जा करके, और देश के पूरे राष्ट्रीय स्तर का OBC मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का, और एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें माननीय अमित शाह जी आने वाले थे, माननीय राजनाथ सिंह जी आने वाले थे, माननीय हमारे कई मुख्यमंत्री आने वाले थे जा करके। उस कार्यक्रम को रद्द किया, हमें लगा कि हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं जा करके, और हम लोग ने तुरंत फैसला लिया जा करके और कहे प्रोग्राम को रद्द कर, और पार्टी ने फैसला लिया जा करके, तो वैसी परिस्थितियों में हमने रद्द भी किया है कार्यक्रम को जा करके। लेकिन अभी जो स्थिति है जा करके, और उसके लिए केंद्र की सरकार और हमारे सेना के जवान और देश की हिफाजत के लिए और जो बाहरी जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार जा करके हैं, और मैं समझता हूँ कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जा करके, तो मुद्दा बनाकर समझिए कि लोगों को आई बास करना चाहते हैं। सर, 3 राज्यों में भाजपा हारी थी, इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि किसान खुश नहीं थे भाजपा, संवेदनहीनता दिखाई थी सरकार ने कहीं ना कहीं। आप कृषि मंत्री से बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है आपके ऊपर, आप किसानों के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से बिहार में वो गलती दोहराई नहीं गई? बिहार में किसानों को खुलकर मदद कर रहे हैं, हमारी सरकार किसानों के लिए, इससे हमारा कृषि प्रभावित हुआ जाकर। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के बैठक बुला करके हम लोगों ने तय किया, और 280 प्रखंडों को हमने सुखाड़ घोषित किया जा करके, और सुखाड़ घोषित ही नहीं किया बल्कि 13 लाख किसानों के, किसान भाइयों के खाते में हम लोगों ने 910 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र किया जा करके। अभी राज फसल सहायता योजना में दूसरी मदद हो रही, तो हम कृषि इनपुट इसलिए दे रहे थे किसान भाइयों को, मतलब रबी का बुआई करना था जा करके, तो राज्य के जो अन्नदाता किसान भाई बहन हैं उनके लिए संकट के समय सरकार ने आगे बढ़ करके, और हमने 13 लाख किसान भाइयों के खाते में DBT के माध्यम से राशि का अंतरण करने का काम किया, और वहीं उसके बाद बिहार राज्य फसल सहायता योजना है जो विदाउट प्रीमियम है, 1 पैसे का प्रीमियम नहीं था, उसमें भी मैं लाखों किसान भाइयों को भी उन्हें भी मतलब कि, और जो फसल का जो नुकसान हुआ है वहाँ भी सहायता देने का व्यवस्था किया गया जा करके है। वही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के किसानों के लिए जो योजना चलाई जा करके है, उसमें बिहार के भी लगभग लाखों किसानों ने आवेदन दिया जा करके, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में और ऑनलाइन लोग आवेदन दे रहे हैं, उसको जाँच करा रहे हैं, और 24 तारीख को देशव्यापी जो अभियान था जा करके उसमें हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख किसानों के यहाँ से जांच करके भारत सरकार के वेबसाइट पर लोड करने का काम किया था, और उस दिन मतलब 73 हज़ार लोगों के खाते में DBT के माध्यम से राशि गई जा करके है। तो राज्य के किसानों के लिए, मतलब बिहार के किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल, इसलिए किसानों को आमदनी दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कृषि रोड मैप के माध्यम से जो किसानों के हित में सरकार जो हमारी काम कर रही है उसका सकारात्मक प्रभाव है, उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आमदनी बढ़ी जा करके है, और 22 फसलों में सरकार ने जो भी लागत से 1.5 गुना दाम देने के ऐलान जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है उसका काफ़ी असर है। बिहार में कृषि रोड मैप जो लागू हुआ है उसका किसानों को बेहतर फायदा मिल रहा जा करके है। तो राज्य की सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर हम किसानों के लिए हर तरह के सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब बिजली देख लीजिए, हम कृषि फीडर के माध्यम से अलग सेपरेट फीडर, अभी जो बिजली किसानों को मिल रही थी उसमें कमर्शियल है,
डोमेस्टिक है, इंडस्ट्री भेजा कर, लेकिन अब सेपरेट कृषि फीडर के माध्यम से भारत सरकार की योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हम गांव-गांव में खेतों में बिजली पहुंचाने की हमारी योजना जा करके है। तो भारत सरकार लगातार कम पानी में कैसे खेती हो, माइक्रो इरिगेशन के लिए भारत सरकार ने 60% की राशि दी है, बिहार सरकार ने 40% की राशि दी है, और हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 60% पानी का सेविंग करने जा रहे हैं। योजना भारत सरकार राज्य सरकार के साथ चलाने का काम कर रही है। सर एक बात बताइए सर, किसान दुखी क्यों हो गए थे? तीन राज्यों में जो हार सामना करना पड़ा, किसान ने ऐसा, आपने तो जरूर इसमें मंथन किया होगा, क्या हुआ था ऐसा? हालांकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाने का काम किया जाकर जी, जब सरकार में कांग्रेस जब थी जाकर के, तो उस समय किसानों का उन्होंने कर्जा नहीं माफ किया जाकर जी, सरकार तो उनकी थी जाकर जी जी जी, केंद्र में सरकार थी जाकर 10 साल थी, और 10 साल में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, किसानों के सारे सिंचाई के 99 प्रोजेक्ट जो थे बंद पड़े हुए थे, उन प्रोजेक्टों को उन्होंने मतलब कि हमारी सरकार ने चालू करने की शुरुआत की जा करके है। तो सरकार चाहती है कि आधारभूत संरचना हो, सिंचाई का बेहतर प्रबंध हो, किसानों को समय पर बिजली मिले, समय पर खाद मिले। खाद के मामले में देख लीजिए, नीम कोटेड यूरिया जो यूरिया का दुरुपयोग हो रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का पहल पर आज नीम कोटेड यूरिया जो मिल रहा है, किसान आसानी से प्राप्त कर रहे हैं जाकर। तो सरकार की बुनियादी ज़रूरतें थी, और जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को कल कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े जा करके, किसान दूसरे को कर्ज दे सके, ये हम सोच के चल रहे हैं। आपको पहले भी कई विभाग मिले थे सर, आपने सब में काम अच्छा किया है। अब फिर से रैली की तरफ वापस आते हैं, रैली को लेकर सर एक सवाल मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत दिनों बाद मंच पर होंगे, खासतौर पर रैली की मंच की जाए तो बिहार में। पिछली बार मंच पर थे तो बहुत सारा वादा बिहार को किए थे, जिसमें उन्होंने 1,25,00,000 रुपये देने की बात की थी, सहायता देने की, ये नहीं मिला है सर, और ये बकाया अभी भी नरेंद्र मोदी पर बिहार का है। तो इस बकाया के बाद क्या और अगर वो वादे करते हैं तो बिहार की जनता मानेगी सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के साथ वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम किया है, और नेशनल हाईवे में राष्ट्रीय उच्च पथ में सबसे बड़ी जो राशि थी जाकर के 58,000 करोड़ की राशि जाकर जी, वो राशि बिहार को मिल रहा है, बिहार में 4 लेन का काम हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो 1,25,00,000 जो था वो मिल रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, वो सीधा नहीं मिल गया, बिल्कुल उसी में ना था, विभाग वाइज था, विभाग वाइज था, विभाग वाइज उन्होंने देने का ऐलान किया था। तो देख लीजिए, सड़क में उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है, रेलवे में दिया है, टेलीकॉम में दिया है जा करके, एरीगेशन में दिया है जा करके, एग्रीकल्चर को सबको दे रहे हैं जा करके। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो उन्होंने ऐलान किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सभी विभागों को राशि मिल रही है, विभाग द्वारा काम किए जा रहे हैं। बल्कि मैं तो यही कह रहा हूँ, उससे एक कदम आगे बढ़ करके देखा, बरौनी में बंद जो हमारा यूरिया का जो फैक्ट्री था चालू हो गया, फिर वहाँ पर रिफाइनरी का जो मतलब इंडस्ट्री का विस्तार करने की योजना, पटना मेट्रो रेल था जाकर जी, और उतना बड़ा प्रोजेक्ट भी बिहार को मिला है जाकर जी। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए थे, जो घोषणा किया था, उससे 4 गुना अधिक मतलब बिहार को मदद करने का काम कर रहे हैं। सर जदयू, LJP और JDU आपके साथ, भाजपा, आप लोग सबको मिलकर रैली कर रहे हैं जी, तो आपके कुछ पुराने साथी हैं, रालोसपा हैं, हम हैं, ये संतुष्ट नहीं है महागठबंधन में, महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, क्या सर अगर वापस आ जाएंगे तो रैली में जगह मिलेगा इन लोगों को? ये महागठबंधन और कुर्सी का महागठबंधन है जी, न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम है, जनता इनको परख चुकी है जा करके, और इनको मौका दी थी कांग्रेस को 55 साल मौका दी जाकर, RJD को 15 साल मौका दी जाकर, इस सबों को मौका इस बिहार की जनता ने, देश की जनता ने दी है जाकर के, लेकिन जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरने का कारण है कि कांग्रेस आज पार्लियामेंट में पिछला 2014 का चुना हुआ था तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रह गया था जाकर, जो RJD बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार चला रही थी, लालू जी का अक्षत राज हुआ करता था, तो जनता के साथ उन्होंने धोखाघड़ी किया जाकर के, और सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए जाकर के, भ्रष्टाचार बढ़ा जाकर के, अपराध बढ़ा बिहार में जाकर के, तो आज हाशिए पर चले गए जाकर के। तो जहाँ जो सीट आ रही थी, तो जनता समझ चुकी है इनका जो महागठबंधन है जाकर के, स्वार्थ का महागठबंधन है जाकर के, कुर्सी का जाकर के है, इनके पास कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई नेता है। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने तक निश्चित तौर पर महागठबंधन के सभी जो दल हैं
ताश के 52 पत्ते के तरह बिखरते नजर आएंगे जा करके। और नरेंद्र भाई मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल अगुवाई में मैं समझता हूँ बिहार के 40 सीटों पर एनडीए के सभी उम्मीदवार हमारे विजयी होंगे। मांझी जी कुशवाहा जी को बुला लीजिएगा आप लोग वापस, अगर आएंगे तो रखिएगा। आएंगे तो पार्टी विचार करेगी जाकर, यदि आना चाहते हैं हमारे पार्टी में तो पार्टी निश्चित तौर पर। मांझी जी ने तो ये भी कह दिया सर कि मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन तो आप ही होंगे। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि यदि वो आते हैं तो उनका हम लोग पार्टी हमारी विचार करेगी और हम स्वागत करेंगे उनका जाकर। सर काफ़ी दिन बाद चुनावी मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ होंगे, दोनों आदमी हाथ पकड़ के हाथ उठाएंगे एक बार? निश्चित तौर पर, और अब दोनों सरकार मिलकर बिहार के लिए और देश के लिए जो काम हो रहा है जाकर के, अभूतपूर्व हो रहा है जाकर के। तो बड़ा भाई छोटा भाई तय है ना, मतलब उसमें कन्फ्यूजन नहीं है इस बार? एकदम, मतलब कि हमारे दोनों माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री दोनों हम सब के प्रिय नेता हैं जाकर के, और दोनों की अगुवाई में हम लोग और बिहार में 40 से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी NDA जदयू लोजपा भारी मतों से विजयी होकर नया इतिहास बनाने का काम। कितने लोगों को सर बुला रहे हैं रैली में? मैं समझ 10 लाख लोग, 10 लाख लोग से कम नहीं होगा यार। गया से कितने लोग आएंगे? गया से भी रख लीजिए कम से कम 50,000 लोग। आपको चुनाव तो नहीं लड़ना है सर लोकसभा ना? ये पार्टी तय करती है, पार्टी जो तय करेगी हम मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये थे कृषि मंत्री बिहार के प्रेम कुमार, बेबाकी से हमारी हर बात का जवाब दिया है। और कहा भी जाता है पिछली बार भी नेतृत्व इनके हाथ में था, इस बार भी रैली का नेतृत्व इन्हीं लोगों के हाथ में है। और जब कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है तो मान लेना चाहिए कि NDA में सब कुछ ठीक है। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।